हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं स्किन क्राफ्ट के जो प्रोडक्ट हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है उनमें कि किसको पहले यूज़ करना है, ब्राइट सीरम, नाइट सीरम और मॉइस्चराइजर। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें होगी, मुझे भी यही प्रॉब्लम थी। मैंने सबसे पहले, मैं भी ऐसे ही कमेंट वमेंट पढ़ती रहती थी, क्या यूज़ करूँ पहले, क्या यूज़ करूँ। फिर इन दी एंड मुझे आंसर मिल ही गया। मैंने बहुत सारा सर्च किया, उनकी हेल्प ली, मैंने स्किन क्राफ्ट से हेल्प ली, तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इनको यूज़ करना है। ठीक है, तो मैं आपको वही बताऊँगी मैंने ऑर्डर कैसे किया। जैसे मुझे भी ऐसे एड्स आ रही थी, जैसे यूट्यूब पे आते रहते और इंस्टाग्राम पे, तो मैंने जाके स्किन क्राफ्ट की साइट पे गई। क्रोम पे ओपन करो skincraft.com करके, आप वहाँ पर जाके ऑर्डर कर सकते हो ईजिली। वो आपसे कुछ सवाल वगैरह पूछेंगे, ठीक है, उनके आपको आंसर फिल करने होंगे, उसके अकॉर्डिंग वो आपको प्रोडक्ट देंगे और डिलीवरी आपकी हो जाएगी मैक्सिमम 6 to 7 days में। ठीक है, मैंने ये 6 months का पैक लिया था, तो मुझे ये जो प्रोडक्ट थे ये पड़े थे 999 रुपये के कुछ पड़े थे। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनको यूज़ कैसे करना, इसी में सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग में आपको ये क्लींजर यूज़ करना है। ठीक है, जस्ट अपने हाथ में लेना है, पूरे फेस को वेट करना है और अप्लाई करना, और उसके बाद वॉश, उसके बाद आपको बैरियर रिपेयर क्रीम यूज़ करनी है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत वेट करना है 30 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद, आप जस्ट उसके वॉश करने के बाद अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर आते हैं हमारे नाइट में आपको फिर से क्लींजर यूज़ करना है और फिर वॉश करके आपको, अब हमारा यहाँ पे चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको फिर ब्राइट सीरम, ये जो सीरम है ये यूज़ करना है। ठीक है, वॉश करने के बाद जस्ट अप्लाई बाद 2-3 मिनट बाद आप उसको अप्लाई कर सकते हो, पूरे फेस पे अप्लाई करना है। उसके 30 मिनट के बाद आपको ये जो हमें आजकल फ्री सीरम मिल रहा है, इसको नाइट सीरम भी बोलते हैं कुछ लोग, ये यूज़ करना है। ठीक है, सीरम्स को यूज़ करने में और मॉइस्चराइजर को कैसे यूज़ करना है, इसी चीज़ में लोगों को काफ़ी दिक्कत है। तो और फिर 30 मिनट के बाद आपको बैरियर रिपेयर क्रीम यूज़ करनी है। ठीक है, आप जाके सो सकते हो। तो गाइस, बात करते हैं इनके रिज़ल्ट, इनका रिज़ल्ट कैसा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया था क्लींजर को, तो मेरा जो नोज़ का एरिया वो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो मुझे बहुत ही मतलब एक्सट्रीम ड्राई हो गया था इसके उसको वॉश करने के बाद, पर जब मैंने लोशन लगाया तो वो नॉर्मल हो गया था। तो यही मतलब फर्स्ट डे यूज़ करने के बाद तो ऐसे लगा था, लेकिन जैसे धीरे 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 मैं इनको यूज़ करते जा रही हूँ तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अभी तक तो 7 days ही हुए हैं, बाकी मैं आपको 31 days के बाद भी बता दूँगी इनका रिज़ल्ट कैसा है या कैसा नहीं है। तो जो मेरा नोज़ का एरिया था, अब भी मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट है पहले से, और यहाँ पे जो भी ड्राइनेस थी अब नहीं है, बिल्कुल बहुत अच्छा हो गया, तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा था मेरे लिए। हम सब थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपकी तरह यहाँ पर नई हूँ और मुझे भी अपने चैनल को ग्रो कराना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इंटरनेट कुछ भी पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और सेकंड चीज़, मेरा जो चैनल है वो हेयर स्टाइलिंग की वीडियोस के लिए, अगर आपको कोई भी हेयर स्टाइल सीखना है या देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं वही हेयर स्टाइल की वीडियोज़ डाल दूँगी। ठीक है, आप देख लेना। बाय, थैंक यू। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मोनिका, तो मैंने अभी अपना चैनल स्टार्ट किया है, प्लीज़ इसको